Hello students, today I am going to teach you English subject and chapter number 1, the world of colors. यह कलर की दुनिया. स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो दी थी जो दे चुकी हूँ, अब नेक्स्ट है जो सेकंड वीडियो अब हम मैं देने जा रही हूँ, वही है यूनिट नंबर 1 ही है, द वर्ल्ड ऑफ कलर्स, यह कलर की दुनिया. अब यहाँ एक्टिविटी 2 है, ये टेक्स्ट बुक जो है उसके बेस पर क्वेश्चन आंसर्स हैं. नंबर 1 इज हियर, व्हाट कलर्स हैव यू सीन इन द स्टोरी सो फार. अगली स्टोरी जो थी, हमने कौन से कलर देखे हैं स्टोरी में. आंसर, सो फार इन द स्टोरी वी हैव सीन, हमने क्या क्या देखा. वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स, हमने सब कलर देखे. दे आर ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, ये सब के रेनबो कलर्स हैं. व्हाट कलर्स हैव यू सीन इन द स्टोरी सो फार, वी राइट द आंसर. सो फार इन द स्टोरी वी हैव सीन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स. दे आर ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, ये सब क्या है, रेनबो के कलर हैं. नाउ टू क्वेश्चन नंबर 2, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा कलर सबसे अच्छा लगता है. विच कलर आपकी भी चॉइस होगी, जो भी आपकी चॉइस हो, जो कलर आपको अच्छा लगता है. बट यह राइट हियर यहाँ लिखा हुआ है, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, आप अपने अपने चॉइस लिख सकते हैं. आंसर, आई लाइक रेड कलर मोस्ट, आई लाइक रेड कलर मोस्ट. क्यों क्यों लगता है बहुत अच्छा. इट इज द कलर ऑफ अवर ब्लड, जो अपने बॉडी में जो ब्लड दौड़ता है वो क्या है, कौन सा कलर उसका है, रेड कलर है. बिकॉज इट इज द कलर ऑफ अवर ब्लड एंड इट इज आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल जो है इन ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. इट इज वाइडली यूज्ड, क्या है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टू मार्क ऑस्पिशियस, जो शुभ अवसर इवेंट्स होते हैं, शुभ अवसर पर भी इसका यूज किया जाता है, ऑस्पिशियस इवेंट्स. इट इज ऑल्सो द कलर ऑफ स्ट्रेंथ, ये शक्ति का कलर एंड ऑथोरिटी का कलर माना जाता है. तो ये क्यों लगता है तुम्हें अच्छा, रीजन बताया है कि आई लाइक रेड कलर मोस्ट बिकॉज इट इज द कलर ऑफ अवर ब्लड एंड इट इज आइडेंटिकल इन ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. इट इज वाइडली यूज टू मार्क ऑस्पिशियस, शुभ जो इवेंट्स होते हैं, जो शुभ अवसर होते हैं उस पर इसका यूज किया जाता है, शुभ जो प्रसंग होते हैं. इट इज ऑल्सो द कलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी. क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव सीन इन दैट कलर. अच्छा, ये से रेड कलर की क्या क्या चीजें तुमने देखी है, हमें उसकी लिस्ट बनानी है. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव सीन इन दैट कलर, राइट द आंसर. ब्लड, देखिए ब्लड भी रेड होता है. रोज, तिलक, सम बेरीज लाइक स्ट्रॉबेरी, कितने अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरी, आपको भी अच्छा लगता है. स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी, इनर पार्ट, कोर ऑफ द वाटरमेलन, वाटरमेलन का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया ना, कितना अच्छा लगता है. जो अंदर का जो कलर होता है, इनर पार्ट जो होता है वाटरमेलन का, से कोर कहते हैं. ऑफ द वाटरमेलन भी रेड होता है, है ना. इंडिकेटर्स इन सिनेमा हाउसेस, नंबर्स डिस्प्लेड इन डिजिटल क्लॉक्स एटसेट्रा, ये सब में क्या है, रेड कलर का यूज होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव सीन इन दैट कलर, राइट द आंसर. ब्लड, रोज, तिलक, सम बेरीज लाइक स्ट्रॉबेरी,
and raspberry inner part, core of the watermelon, indicators in cinema houses, numbers displayed in digital clocks, etc. इस सब में क्या है, रेड कलर का यूज होता है. Now additional question answers. Number one is take a transparent glass. यहाँ का बोला है कि glass लो transparent जो half full of water, इसमें half क्या है पानी आधा भरा हुआ हो. Keep it in sunlight. उसे कहाँ रखना है, हमें sunlight में रखना है. And put some drops of kerosene. जो kerosene के थोड़े drops डालने हैं उसके अंदर. Write down your observation. हमें क्या है इसका observation लिखना है. Take a transparent glass half full of water. Keep it in sunlight. Put some drops of kerosene in it. Write down your observation. Answer क्या हो, हमने observation किया क्या. There in the glass. अच्छा glass में क्या दिखाई दिया. We can see rainbow effect. उसमें भी क्या है, जो kerosene के drops डालने पर क्या होता है, rainbow की effect दिखाई दी, color दिखाई दिए. We can see a spectrum of colors in the transparent glass of water when kerosene is mixed in it. जब water में kerosene mixed हुआ तो क्या है, हमें रेनबो के जो कलर थे वो दिखाई दिए. आप भी कर सकते हो. इन द ग्लास आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना हाफ फुल पानी, उसमें वाटर डालना है और उसमें सम ड्रॉप्स होते हैं जो केरोसिन के डालना है, उसे रख देना है और हमें देखना है. तो देयर इन द ग्लास वी कैन सी रेनबो इफेक्ट. वी कैन सी अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स इन द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर फैन केरोसिन, जब उसमें केरोसिन मिक्सड अप हो जाता है, इज मिक्सड इन इट. तो हमें उसमें भी क्या दिखाई देते हैं, रेनबो के जो कलर है वो दिखाई देते हैं. नाउ नंबर टू, लिस्ट द गेम्स. हमें लिस्ट बनाना है गेम्स की और ऑब्जेक्ट्स इन विच यू फाइंड रेनबो इफेक्ट. जो हम बनते हैं जो रेनबो कलर में के होते हैं, उसकी गेम्स और ऑब्जेक्ट के हमें लिस्ट बनानी है. आंसर है अ वाटर बबल्स फ्रॉम सॉफी वाटर, जो सोप जो होता है साबुन का पानी. बी प्रिज्म हेल्ड इन सनलाइट. सी स्प्लैशिंग, छप छपिया करते हैं. स्प्लैशिंग वाटर ऑन इच अदर इन सनलाइट. डी एंटी ग्लेयर स्पेक्टेकल्स इन डे लाइट. एंटी ग्लेयर स्पेक्टेकल्स इन डे लाइट. नंबर वन, विच आर दी प्लेसेस वेयर यू फाइंड रेनबो इफेक्ट ऑफ कलर्स. कौन सी जगहों पर हम क्या है दिखाई देते हैं रेनबो के कलर. आंसर वाटरफॉल होता है, फाउंटेन है. देखिए वाटरफॉल जो झरना होता है, फाउंटेन फवारा होता है. वाटर बबल्स इन सॉपी और फॉमी वाटर वेयर ऑयल मिक्स, जहाँ पर ऑयल मिक्स होता है. वाटर इज स्प्रेड एटसेट्रा, जमीन पर जो पानी गिरता है, ऑयल मिक्स्ड पानी जो होता है उसमें भी हम कलर देखते हैं, रेनबो कलर दिखाई देते हैं. विच आर दी प्लेसेस वेयर यू फाइंड रेनबो इफेक्ट ऑफ कलर्स. आंसर वाटरफॉल, फाउंटेन, वाटर बबल्स इन सॉपी और फॉमी वाटर वेयर ऑयल मिक्स्ड वाटर इज स्प्रेड एटसेट्रा. टू नंबर, व्हाट विल यू कलेक्ट टू डेकोरेट योर क्लासरूम एंड स्कूल. तुम क्या करोगे, क्या कलेक्ट करोगे अपने जस्ट अपने क्लासरूम को या स्कूल को, क्या है सजाना है तो क्या को डेकोरेट करना है. तो आंसर बलून्स, फेस्टून्स, कलर्ड रिबन्स, कलरफुल स्टिकर्स एक्सेट्रा. बलून्स, फेस्टून्स, कलर्ड रिबन्स, कलरफुल स्टिकर्स एक्सेट्रा. नाउ नंबर थ्री, लिस्ट द कलरफुल थिंग्स दैट यू कलेक्ट ऑन योर बर्थडे सेलिब्रेशन. हम बर्थडे जो सेलिब्रेशन करते हैं उसमें भी एक लिस्ट बनाना है, क्या क्या चीजें हम कलरफुल लगाते हैं.
list the colorful things that you collect on your birthday celebration. Answer, color caps. देखिए color caps पहनते हैं, colorful, sound, blowers, pipes, ribbons, festoons, colorful cloth, stripes, etc. Now activity 3. Look carefully at your chart. यहाँ बताया है number 1, was there any color in the rainbow that no one in your class liked and which color was that? क्या है, was there any color in the rainbow that no one in your class liked? ऐसा रेनबो में जो कलर है जो किसी को भी नहीं अच्छा लगता हो, which color was that, वो कौन सा कलर है? Answer, in our class no one liked indigo color. किसी को इंडिगो कलर नहीं अच्छा लगता है. तो इन अवर क्लास नो वन लाइक, किसने लाइक, कोई लाइक नहीं करता है इंडिगो कलर. नंबर 2, विच कलर डिड द मोस्ट पीपल लाइक, कौन सा कलर है जो सभी लोग उसको लाइक करते हैं? एंड हाउ मेनी पीपल लाइक्ड दैट कलर, द कलर दैट मोस्ट पीपल लाइक इज द मोस्ट पॉपुलर कलर. आंसर, ऑलमोस्ट 65% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक्ड ऑरेंज कलर. 65 जो स्टूडेंट्स हैं, 65% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, ऑरेंज कलर को लाइक करते हैं, जो रेनबो का कलर है, इन द रेनबो. हैंस इसलिए क्या है, वी कैन से दैट ऑरेंज इज द मोस्ट पॉपुलर कलर. इसके वजह से क्या है, हम कह सकते हैं इसीलिए कि क्योंकि ऑलमोस्ट जो होते हैं ज़्यादातर लोग 65% जो होते हैं स्टूडेंट्स वो ऑरेंज कलर को लाइक करते हैं, कलर का जो रेनबो का कलर है. इसलिए क्या है, हम कह सकते हैं कि भाई दैट ऑरेंज इज द मोस्ट पॉपुलर कलर. नंबर 3, विच कलर डिड द फेवेस्ट पीपल लाइक, फेवेस्ट यानी थोड़े लोग उसको जो लाइक करते हैं. हाउ मेनी पीपल लाइक्ड दैट कलर, विच कलर डिड The fewest people like and how many people liked that color? The color that fewest people like is the least popular color. Answer, the fewest जो लोग है people liked yellow color. क्या है, कौन सा color थोड़े लोग पसंद करते हैं? Yellow color. It was liked by only 7 आउट ऑफ 60. 60 में से 7 जो है वो लोग उसको लाइक करते हैं. इसलिए therefore we can, इसलिए हम कह सकते हैं, we can say that yellow is the least, क्या है, बहुत कम लोग उसको पॉपुलर कलर है, ये येलो इज द लिस्ट पॉपुलर कलर. फोन नंबर, इज योर फेवरेट कलर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर और अ लेस पॉपुलर कलर? हमारा जो फेवरेट कलर है वन ऑफ द बहुत ज़्यादा पॉपुलर है के कम पॉपुलर है? माई फेवर गॉज फॉर ग्रीन कलर, मुझे कौन सा कलर अच्छा है लगता है? ग्रीन कलर. सो द कलर ऑफ माई लाइकिंग इज अमोंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर्स. उसका जो फेवर कर गोज कहाँ किस पर जाता है, वो ग्रीन कलर है उसका फेवर. सो द कलर ऑफ माई लाइकिंग जो उसके लाइक जो चॉइस का कलर इज अमोंग ज़्यादातर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर कहलाता है. माई फेवर गोज फॉर ग्रीन कलर. सो द कलर ऑफ माई लाइकिंग इज अमोंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर्स. एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स, नंबर 1, व्हाट कलर फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? व्हाट कलर फ्लावर, कौन सा कलर का फ्लावर बहुत अच्छा लगता है और क्यों? आंसर, आई लाइक पिंक रोज मोस्ट. मुझे जो है फ्लावर में जो पिंक कलर का रोज होता है गुलाब, वो अच्छा लगता है. बिकॉज पिंक कलर हैज ऑलवेज अट्रैक्ट मी, क्या है, जो पिंक कलर होता है वो मुझे हमेशा अट्रैक्टेड करता है. पिंक ब्रिंग्स मी डिलाइट,
I like pink rose most because pink color has always attracted me. Pink brings me delight. To number your school uniform is black and white. अगर तुम्हारा स्कूल का यूनिफॉर्म ब्लैक एंड वाइट है तो what would be your reaction to it? तुम्हारा रिएक्शन क्या है उसके अबाउट? तुमको अच्छा लगता है कलर? अच्छा लगेगा if your school uniform is black and white. तो what would be your reaction to it? Answer: if my school uniform is black and white, I would never like it. मुझे उसका भी पसंद नहीं करूंगी, नहीं पसंद करूंगा. Along with my school mates, either we would request हमारे कोई भी हम लोग क्या इसको जो मेरे क्लासमेट्स है कोई भी से क्या है पसंद नहीं करेंगे. इसके लिए क्या करेंगे? Either we would request हम रिक्वेस्ट करेंगे the principal to replace करो उसकी जगह दूसरे कलर रखो. Principal to replace it with a colorful one. और आई वुड चेंज द स्कूल, नहीं तो मैं क्या है कलरफुल अगर चेंज नहीं हो कलर नहीं होगा रेड स्कूल यूनिफॉर्म का तो यह है इसके बदले में मैं क्या है स्कूल हमको हम चेंज कर दें चेंज कर सकते हैं लेकिन हम क्या है एक ड्रेस को पसंद नहीं करेंगे. हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल को रिप्लेस करने के. अगर रिप्लेस नहीं करते तो स्कूल को भी हम चेंज करेंगे. तो ये क्या है माई स्कूल यूनिफॉर्म इज ब्लैक और ब्लैक एंड वाइट हो तो हम उसे या हमारे जो स्कूल मेट्स हैं वो कोई भी उसे पसंद नहीं करेंगे. और क्या है उसके अबाउट प्रिंसिपल से बात करेंगे रिप्लेस करने के लिए. अगर नहीं होता है तो हम स्कूल को भी रिप्लेस कर दें इसको स्कूल को भी छोड़ देंगे. नाउ क्वेश्चन 3 व्हेन यू लुक एट पीपल्स स्पेक्टेकल्स सम ऑफ दी स्पेक्टेकल्स जो होते हैं और रेम्बो कलर चश्मे जो होते हैं रेम्बो कलर होते हैं इफेक्ट एंड सम अदर्स डोंट वाई. व्हेन यू लुक तुम देखते हो पीपल्स स्पेक्टेकल्स सम ऑफ दी क्या होते हैं उनके स्पेक्टेकल्स हैव रेम्बो कलर के होते हैं इफेक्ट एंड सम अदर्स डोंट वाई. आंसर दी स्पेक्टेकल्स मेड ऑफ एंटी ग्लेयर ग्लासेस वो एंटी ग्लेयर ग्लासेस के बने हुए होते हैं have rainbow effect while plain glasses do not have such effect. Now question 4 which are the different festivals कौन से अलग जो फेस्टिवल्स हैं where in colors play जहाँ पर कलर यूज होता है an important part and how कैसे. आंसर लिखेंगे people celebrate holi जो पीपल जो सेलिब्रेट करते हैं होली को बाय स्प्रिंकलिंग करते हैं छांटते हैं और थ्रोइंग फेंकते हैं दूसरे के ऊपर कलर्स ऑन वन अनदर. नंबर 1 पीपल सेलिब्रेट होली बाय स्प्रिंकलिंग और थ्रोइंग कलर्स ऑन वन अनदर. नंबर 2 पीपल वेयर कलरफुल क्लॉथ्स जो लोग अलग अलग कहे कलरफुल कपड़े पहनते हैं एंड लाइट कलरफुल लैम्प्स जो लाइट भी होती है कलरफुल लैम्प्स जो होते हैं दिए जलाते हैं ऑन दिवाली. नंबर 3 पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री जो होते हैं उसे सजाते हैं डेकोरेट करते हैं विथ कलरफुल बलून्स एंड प्रिपेयर कलरफुल स्टार्स जो तैयार स्टार जो होते हैं तैयार करके जो एक्समस ट्री होता है क्रिसमस ट्री पर लगाते हैं ऑन क्रिसमस. कब? क्रिसमस जब होता है नाताल के दिन जब होता है नाताल तब लोग क्या करते हैं जो क्रिसमस ट्री होते हैं क्रिसमस ट्री को सजाते हैं विद कलरफुल फ्लावर बलून्स एंड प्रिपेयर कलरफुल स्टार्स ऑन क्रिसमस. नंबर 4 पीपल फ्लाई कलरफुल काइट्स देखिए अभी फ्लाइंग करते हैं ना कलरफुल काइट्स को ऑन उत्तरायण. उत्तरायण जब होती है 14 जनवरी को हम जब सेलिब्रेट करते हैं उत्तरायण को तब कलरफुल जो काइट्स का यूज करते हैं. 4 नंबर पीपल फ्लाई कलरफुल काइट्स ऑन उत्तरायण. नंबर 5 सिस्टर्स टाई कलरफुल राखीज जब रक्षाबंधन होता है जो बहनें होती हैं जो भाइयों को राखी बांधती हैं ऑन द रिस्ट कलाई पर बांधती है ऑन देयर ब्रदर्स जो भाई की कलाई पर जो बांधती हैं कलरफुल राखी भी होती हैं
कब होता है? ऑन रक्षाबंधन डे। नंबर सिक्स, इन मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स लाइक मुहर्रम, इसके बाद इन मोस्ट ऑफ दी जो फैसे अलग होते हैं लाइक जैसे मुहर्रम, पतेती, बैसाखी, ओनम, लोहड़ी जो है गुड़ी पर्व एंड मेनी अदर्स, पीपल वेयर कलरफुल क्लॉथ्स एंड अडोन सजाते हैं देयर हाउसेस, उनके घरों को सजाते हैं विथ कलरफुल रिबन्स, बलून्स एंड फिस्टोन्स। तो इन मोस्ट ऑफ दी फेस्टिवल्स लाइक मुहर्रम है, पतेती, बैसाखी, ओनम, लोहड़ी, गुड़ी पर्व एंड मेनी अदर्स, पीपल वेयर कलरफुल क्लॉथ्स एंड अडोर्न देयर हाउसेस विथ कलरफुल रिबन्स, बलून्स एंड फेस्टून्स। अब एक्टिविटी फोर है, द पार्लिंग है, कलर्स पार्ट टू है, जो झगड़ा कलर के झगड़ा है जो पार्ट टू बताया है यहाँ पर। समरी बताइए यूनिट की, ऑल दी सेवन कलर जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्योर जिसको बोलते हैं, वेर फाइटिंग लड़ते हैं टू प्रूव देयर इम्पोर्टेंस, अपनी अपनी वो क्या है अहमियत बताते हैं। ऑल द सेवन कलर्स इफ ब्योर जो है एग्जाम्पल के तौर प्योर वेर फाइटिंग टू प्रूव देयर इम्पोर्टेंस एट दैट टाइम, उसी वक्त क्या होता है, सडनली देयर वॉज थंडर, बादल जो है थंडर गरजते हैं एंड लाइटिंग जो बिजली चमकती है एंड इट बिगेन टू रेन हैवीली, बहुत बारिश शुरू हो जा जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। देन द कलर्स हर्ड, जब वो जो कलर्स सुनते हैं द एनरेज्ड वॉइस ऑफ द रेन, जो आवाज़ सुनते हैं रेन की, इट सैड दैट दे वेर फुलिश टू फाइन, क्या है मूर्ख है, इट सैड दैट दे वेर पुलिस जो बेवकूफ है जो लड़ते हैं टू फाइट एज ईच वन ऑफ देम इज इम्पोर्टेंट, अपनी इम्पोर्टेंट बताने की जो लड़ते हैं वो मूर्ख हैं पुलिस है, ईच वन हैज सभी क्या है स्पेशल पर्पज, दे शुड हेल्प ईच अदर, उनको आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई टू मेक द रेनबो, द रेनबो शोज दैट इफ दे वर्क टूगेदर, द रेनबो क्या बताता है दैट अगर वो लोग वर्क साथ में काम करें और हेल्प ईच अदर एक दूसरे की मदद करें, पुटिंग असाइड देयर डिफरेंसेस अपने जो अलग जो बोलते हैं अलग जो है लगता को अलग रखें, दे विल ऑल शाइन सब चमकने लगेंगे, द कलर्स अंडरस्टूड कलर क्या समझ गए देयर मिस्टेक उनकी गलतियों को दोनों समझ गए कि हम गलती कर रहे हैं, हम लड़ना नहीं चाहिए बट क्या है हम साथ में काम करके दूसरे की मदद करनी चाहिए, द कलर्स अंडरस्टूड समझ गए देयर मिस्टेक एंड हैप्पीली ज्वाइंड हैंड्स, और एक दूसरे का हाथ मिला लिए खुशी से। इसमें पार्ट टू में समरी बताइए, समरी ऑफ यूनिट मैंने आपको बताया, जो सेवन कलर लड़ते हैं वो आपस में मिलजुल वो क्या है उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मिल गए और अपना काम एक दूसरे से खुशी से हाथ मिला लिए, इसमें ये समरी बताई गई है यूनिट की। फर्स्ट मैंने वीडियो में आपको भी बताई थी, अभी सेकेंड जो पार्ट बताया है उसमें इसकी बताइए, हमें क्या है हमेशा अपनी इम्पोर्टेंस बताना नहीं चाहिए, सभी अपनी जगह पर क्या है इम्पोर्टेंट है, तो सभी यहाँ पर कलर भी क्या है जब अपनी गलती समझ जाते हैं तो खुशी से एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाउ टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, हमें कॉम्प्रिहेंशन को रीड करेंगे। ए में है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, हमें क्या नीचे जो दी गई है टेक्स्ट उसे अच्छी तरह ध्यान से रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें लिखना है। नंबर वन, सडनली देयर वॉज थंडर एंड लाइटिंग एंड इट बिगेन टू रेन हैवीली, द सेवन कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड ऑल हर्ड द एंग्री वॉइस ऑफ द रेन, बहुत हैवी बरस रहे थे उस समय रेन थी
यू स्टूपिड फुलिश कलर्स, तुम क्या बेवकूफ हो, यू स्टूपिड फुलिश कलर्स, व्हाई आर यू फाइटिंग, देन बोलने लगी क्यों लड़ रहे हो अमोंग योर सेल्फ, डोंट यू नो, तुम नहीं जानते, ईच ऑफ यू इज इम्पोर्टेंट, द लाइटिंग स्टॉप्ड एंड द थंडर क्वाइटेड. Now we come on question answers. Number one is what followed thunder and lightning? Question number one, what followed thunder and lightning? Answer, rain followed thunder and lightning. Question two, rain was in dash mood, fill in the blank, happy, angry, composed. We write the answer angry. Rain was in angry mood. Question 3, what message did Rain want to convey to the quarreling colors? क्या मैसेज दिया रेन ने टू कन्वे टू द क्वारलिंग कलर्स? आंसर, द रेन वॉन्टेड टू कन्वे टू ऑल द कलर्स इन द रेनबो दैट ईच ऑफ देम, उसने क्या समझाया, सभी क्या है, ईच ऑफ देम is important and they should realize their importance. अपनी सबको अपनी जगह पर सब बराबर है, अपनी अपनी अहमियत अपने सबको समझना चाहिए. तो नंबर टू, द रैन सेड, रैन ने क्या कहा, लिसन सुनो, लिसन टू मी, ईच ऑफ यू हैज अ स्पेशल पर्पज, वेन आई स्टॉप द स्टॉर्म यू मस्ट ऑल होल्ड हैंड्स and help each other. You will help each other stretch across the sky to make the rainbow. हम मिलकर काम करेंगे तो हम एक रेनबो बना सकेंगे, बनेगा एक रेनबो. The rainbow is a special sign. It shows, वो क्या बताता है, that if we all work together, हम मिलजुल कर काम करेंगे तो क्या होगा, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें तो क्या हो, इवन विथ अवर डिफरेंसेस वी विल ऑल शाइन, अपने जो डिफरेंसेस को छोड़ के हम क्या है, सब चमकते हैं, चमकने लगेंगे. वी और वी ऑल शाइन द कलर्स, अंडरस्टूड, समझ गए कलर्स देयर मिस्टेक, उनकी जो गलती हुई जो कलर समझ गए, द स्टॉर्म जो आंधी थी एंडेड रुक गई, एंड द कलर्स हैप्पीली जॉइंड हैंड्स.